क्या उसे ये बयान नहीं दिख रहा है कि मुसलमानों से सामान खरीदना बंद कर दो, इनका आर्थिक बहिष्कार करो? क्या उन्हें ये बयान नहीं दिखा कि गोली मारो और जूते मारो की बातें कर जाए? क्या उन्हें ये बयान नहीं दिख रहा है कि गांधी को गाली दी जा रही हो? क्या ये बयान नहीं दिखा कि धर्म संसद के नाम पर हथियार तलवार लेकर के मुल्क की सड़कों पर उतर जाओ? तो ऐसे बरी हुए कि जिनको बाद में कोर्ट ने कहा कि इनके लिए तो कोई हम तय ही नहीं कर पाए। 20 साल बाद रिहा हो गए, 25 साल बाद रिहा हो गए, पता चला सब कुछ बर्बाद हो गया लेकिन कुछ बचा नहीं। इसलिए हम ये लड़ाई बेसिकली इसलिए लड़ रहे हैं कि इस मुल्क में ये ना लगे कि हक की बात करने वाले अब लोग खत्म हो गए, और ऐसा कभी होता भी नहीं है। लेकिन इस लड़ाई का हो सकता है कुछ दिन बाद असर। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, कभी कभी न्यायपालिका ऐसी बात करती है जिससे लगता है कि अच्छा वहाँ भी कुछ अच्छे लोग हैं, कोई अच्छा जज है, भाई सब खत्म नहीं हुआ है, सब धान 22 पसेरी नहीं है, उम्मीद बाकी है। जैसे चार जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बाहर भी आए थे, सड़क पर आए थे, मीडिया के बीच आए थे, ऐसा इस देश में पहली बार हुआ था। फिर पता नहीं क्या हो गया कि उन्हीं में से एक व्यक्ति जाकर के कैसे कैसे फैसले सुना आया। आज क्या इस देश में न्यायपालिका जो सुओ मोटो लेती है स्वतः संज्ञान, क्या उसे ये बयान नहीं दिख रहा है कि मुसलमानों से सामान खरीदना बंद कर दो, इनका आर्थिक बहिष्कार करो? क्या उन्हें ये बयान नहीं दिखा कि गोली मारो और जूते मारो की बातें कर जाए? क्या उन्हें ये बयान नहीं दिख रहा है कि गांधी को गाली दी जा रही हो? क्या ये बयान नहीं दिखा कि धर्म संसद के नाम पर हथियार तलवार लेकर के मुल्क की सड़कों पर उतर जाओ? क्या सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं दिख रहा है कि मस्जिद के सामने कैसे तलवार लहराई जा करके मुसलमानों को गाली दी गई? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह नहीं दिख रहा है कि इस देश में घोर सांप्रदायिक माहौल बना दिया गया? आप क्रिकेट मैच इस देश में बहुत होते रहे हैं, बहुत कुछ होता रहा होगा, अब आप देखेंगे जैसे लग रहा है कि इतना नफरत भर गई है कि उस पर रील्स बना करके किसी के राष्ट्रगान का मजाक हो रहा है, किसी कुछ हो रहा है। मैं चिंतित इस बात से हूँ कि वो जो संस्थान खत्म हो रहा है, भाई सुप्रीम कोर्ट के जज आज रिटायर हो रहे हैं, कल उनको कोई और नई पोस्ट मिल जा रही है, जबकि यह तो पूरी प्रक्रिया में ही नहीं था। कोलेजियम सिस्टम है, वो सारे कुछ कितने लोग हैं, रिजर्वेशन है नहीं वहाँ पर, किस कैटेगरी के कितने जज हैं, कितने दलित पिछड़े आदिवासी हैं, ये तो सवाल इस देश में कोई पूछ ही नहीं रहा है। एक कुछ परिवार के लोग सारे सुप्रीम कोर्ट के जज बने हुए हैं और अभी कई बनते जाएंगे। इसलिए जो ज़्यादा बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि एक संस्थान जो लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, चुनी हुई सरकारों को बेलगाम होने से रोकने के लिए स्वायत्त रखा गया था, अब ऐसा लगता है कि वो स्वायत्त बचा ही नहीं है। वो चुनाव आयोग की तरह, वो CBI की तरह, वो जो है तमाम संस्थाओं की तरह अपना भरोसा खो रहा है। हाँ, बहुत प्यारी सलाह है, बहुत देर कर दी उन्होंने, 8 साल लग गया सरकार चलाते हुए, उनको बहुत बाद में समझ में आया, ना हक भ्रष्टाचार पर आंदोलन कर रहे थे, ना हक पढ़े लिखे हो करके राजनीति में आने और पॉलिटिक्स विद डिफरेंस की बात कर रहे थे, ना हक वो शिक्षा और स्कूल की बात कर रहे थे। अच्छा, आप अगर स्कूल की बात करेंगे तो वैज्ञानिक चेतना की बात करेंगे या ये अपने सिलेबस में लिखवाने के लिए आप तैयार हैं कि अर्थव्यवस्था इसलिए डूब रही क्योंकि उस पर लक्ष्मी गणेश की फोटो नहीं है रुपए पर? कल को आप कहेंगे कि पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा है क्योंकि जो स्कूल की किताबें हैं उस पर सरस्वती फोटो नहीं है, हर किताब पर सरस्वती फोटो होगी। परसों यही लोग कहने लगेंगे कि हर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सब की किताबों में पहले 5 चैप्टर देवी देवताओं पर होने चाहिए। परसों करके कहने लगेंगे कि ये जो सरकार चल रही है इसका आधा बजट तो मंदिरों को बनाने के लिए देना चाहिए। BJP ने एक ट्रेंड सेट कर दिया, उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं ट्रैप में। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर उनसे बेहतर हिंदू बन करके तुम्हें वोट मिल जाए तब तो आप लगेगा कि BJP को हराने में कामयाब हो, लेकिन ये सारे दलों के राजनेता ऐसा लग रहा है कि धर्म की पिच पर जा करके तो ऐसा लग रहा है कि सरेंडर बोल गए। लेकिन दूसरा खतरा और दूसरी चिंता मेरी बतौर समाज के एक नागरिक की है, मेरे समाज को क्या हुआ है? क्या मेरा समाज ये नहीं समझ रहा है कि ये सब मिलकर के आपके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है? अब अगर स्कूल पर बात करने वाला आगे लक्ष्मी गणेश करने लगा तो अगली बार गारंटी है कोई स्कूल पर राजनीति इस देश में नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो इस देश के प्रधानमंत्री जो कपड़ों से पहचाना जाए और जाने क्या क्या बयान देते रहे हैं, वो भी ये कबूल करते हैं कि बाबा साहब न होते तो मैं प्रधानमंत्री न बनता। वो जाके एकदम झुक जाते हैं भाई, रोने उन्हें लगेंगे कल को। ये सब बाबा साहब फूले की मूर्ति बहुत बड़ी बड़ी बनवाएंगे, और देखिएगा ये होगा, खूब बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होंगी लेकिन उनके विचारों को ख़त्म करने के लिए सारे काम किए जाएंगे। बाबा साहब ने कहा हिंदू राष्ट्र अगर हकीकत बनता है तो देश के लिए अभिशाप होगा, और ये हिंदू राष्ट्र नहीं अखंड भारत बनाना चाह रहे हैं। ये बाबा साहब का सम्मान है अपमान? वैसे ही जब जब एक बड़ा व्यक्ति वो सब कर रहा है
तो ये जो दूसरे आए थे पॉलिटिक्स बदलने के लिए, इनको भी लग रहा है कि भाई पंजाब में चुनाव था तो भगत सिंह याद आ गए और उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर याद आ गए, दोनों घोर नास्तिक। भगत सिंह का सबसे प्रसिद्ध लेख है मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो भगत सिंह कौन से वाले आपके हैं अपने 22 प्रतिज्ञा करवाई उनके मंत्री ने, उसका इस्तीफा ले लिया, जो 4 महीने जेल में वो इस्तीफा नहीं देगा। जय श्री राम और कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया भाई कुल को। अब देखिएगा कुछ दिन बाद मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस देश की जनता नहीं जागी, इस देश की जनता को दरअसल सांप्रदायिकता में मजा आ रहा है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इसमें मजा आ रहा है, मुसलमान ठीक हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, सब तो ठीक ही हो रहा है और 5 किलो अनाज मिल जा रहा है, 500 रुपये मिल जा रहा है, अगर इस देश को ऐसे ही मजा आता रहा तो मुझे लग रहा है 5 साल 10 साल बाद चुनाव जो लड़ेगा उसमें कहेगा कि मैं ब्रह्मा का अवतार हूँ, दूसरा नेता कहेगा मैं विष्णु का अवतार हूँ, मैं बनूंगा तो सबके मंदिर बनाऊंगा, इसी पर राजनीति होगी। ये बहुत निराशाजनक है समाज के। तो प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपी और तमाम चीज़ें लिखी हैं, लेकिन बाबा साहब के पास क्या वो क्षमता है कि उनका अगर रुपए पर फोटो छप जाए तो इकोनॉमी बूस्ट करवा देंगे? अरे बाबा साहब तार्किक आदमी थे भाई, वो कह रहे हैं ये मंदिर जाने वाली भीड़ जब स्कूल जाने लगेगी ये देश का बदलाव आ जाएगा। बाबा साहब तो किताब और कलम की बात करते थे, तर्क और वैज्ञानिकता की बात करते थे। तो बाबा साहब एक एक ये मंशा अच्छी है, होना यही चाहिए, लेकिन जो काम किया जा रहा है ना वो दरअसल किसी को सम्मान देने के लिए तो किया ही नहीं जा रहा ना उसमें बाबा साहब। अरे भाई शेर उनका जो बना था अशोक का स्तंभ, उसके साथ क्या कर दिया और उसको भी लोग डिफेंड कर रहे हैं। इस देश में किसी भी चीज़ को डिफेंड किया जा रहा है, ज़्यादा बड़ा नुकसान ये है। मैं तो कह रहा हूँ इस डिबेट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर अगर वाकई किसी की भाई अशोक का चिन्ह उसमें बना हुआ है, अब बाबा साहब की बात कर दो, लेकिन जानते खतरा क्या है कि जैसे ही हम ये कहेंगे कि हाँ बाबा साहब को नोट पर ले आओ, बाबा साहब को वो मूर्ति बनाओ, बाबा साहब ये सब बीजेपी वाले और आरएसएस वाले कर देंगे, बाबा साहब को पढ़ाओ ये नहीं मानेंगे, बाबा साहब की किताबें घर घर जाएं इसको वो रोकेंगे, ये विचारों पर ताला और मूर्ति पर माला कहीं उस दिशा में न बढ़ जाए। इसलिए मैं इस डिबेट को ही नकारता हूँ। मैं कह रहा हूँ इस देश की समस्या इस समय नहीं है कि किसकी फोटो किसकी तस्वीर किसकी चीज़ें हो। मैं बार बार कह रहा हूँ नई शिक्षा नीति में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बर्बाद हो गए, सरस्वती तो देवी हैं, फिर क्यों इस देश में सरकारी स्कूल बर्बाद हो रहे हैं? प्राइवेट स्कूल का एम्पायर खड़ा हुआ है, लाखों रुपए आपके पास फीस है, आपके बच्चे अच्छे घरों में पढ़ लेंगे, आप सरस्वती पूजा करते हो नहीं करते हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अशोका गलगोटिया में किसके घर के बच्चे जा रहे हैं? एमिटी को और ये डीयू जेएनयू बर्बाद हो गया, विदेश जाएंगे बच्चे पढ़ने, ये जितने बच्चे पढ़ने जाएंगे वो सरस्वती को मानने वाले होंगे या जिसकी जेब में पैसा होगा? ये देश बदल के बर्बाद होता जा रहा है और आप नाहक पढ़े लिखे नेता, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप लक्ष्मी गणेश राम और कृष्ण ये सब करोगे, ये तो इस देश में बहुत पहले से है। बिल्कुल नहीं, मैं इस सारी चीज़ों का जिम्मेदार इस मुल्क की आवाम को मानता हूँ। इस मुल्क की आवाम, हम जिस गांधी पीस फाउंडेशन पर खड़े हैं, यहीं से एक ज़माने में जेपी को पुलिस पकड़ कर ले गई थी आधी रात को, इमरजेंसी लगाई गई थी और पढ़ने लिखने और लड़ने वाले बोलने वाले लोग जेल में डाल दिए गए थे, लेकिन उसके बाद इस मुल्क का इतिहास बदला। मगर उस समय क्यों इमरजेंसी के खिलाफ जनता सड़क पर आ गई? आज की जनता तो घोर सांप्रदायिक बना दी गई है। आज लोगों को लगता है कि अच्छा तो हो रहा है, मंदिर मस्जिद में डिबेट हो रही है। मैं इसलिए चिंतित इस बात से हूँ, नेता की क्या बिसात है, नेता को वापस 5 साल बाद जनता के बीच में जाना पड़ता है। ये कम से कम भारत के संविधान ने इतना मौका दिया है इस मुल्क की आवाम को। इस मुल्क की आवाम को अशिक्षित और बेरोजगार बनाकर, भीतर से सांप्रदायिक बनाकर, जातियों में बांट कर और तमाम तरह से इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि वो अब किसी भी चीज़ को समझने को तैयार नहीं, और जो समझ रहे हैं इस मुल्क के लोग वो खामोश बने बैठे हैं, चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। कोई जेल में चला जाए, आजम खान जेल में चले गए, आजम खान से ज़्यादा नफरत का बयान और किसी ने दिया था? वो सारे MP MLA कोर्ट के लोग कहाँ बैठे हैं? एक मुसलमान है अभी जेल से निकला फिर जेल में गया, और गोली मारो जूता मारो और क्या क्या बयान देते रहो, आपको कोई जेल में डाले, कहाँ बची है जमहूरियत? मैं चिंतित हूँ इसलिए इस सब का। भाई मीडिया पैसे से चलती है, आज अगर सरकार बदल जाए, पूंजीपतियों का पैसा बदल जाए, ये सारे मीडिया घराने वाले तुरंत बदल जाएंगे। ये तो पपेट हैं, नेता आपके, आपने उसे ताकत दी है और वो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। इसलिए अपनी ताकत को अगर इस्तेमाल ढंग से कर लो, 2024 में आप अगर ढंग से निर्णय ले लो तो बहुत कुछ उसी समय देश को बदल जाएगा। और अगर ये मुल्क की आवाम को मजा आ रहा है मंदिर मस्जिद में, इस मुल्क की आवाम को लक्ष्मी गणेश राम कृष्ण इसी समय मजा आ रहा है, तो 20 साल बाद उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो चुका होगा। दो भारत बनेगा,
5% लोगों का भारत होगा जो अच्छे एसी कमरे में बैठकर अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाकर बड़ी बड़ी नौकरियां पाकर इस देश को रोज नफरत की आग में झोंकते रहेंगे, और 95% लोगों के बच्चे किसान भी नहीं बचेंगे, मजदूर बनेंगे और मजदूरी करेंगे 5,000-10,000 रुपए में और 5 किलो अनाज पर वो गुलाम बन चुके होंगे। मुझे इसकी चिंता है, अगर ये नहीं हुआ तो फिर तो इस देश में कुछ भी बचेगा नहीं। ये मंदिर बन जाए, इसमें मंदिर वालों को आनंद आ रहा है, मंदिर वाले मंदिर में जाएं। मुझे दिख रहा है कि मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहा है। मैं जिस रास्ते चल करके अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं पहुंचा होता तो मैं आज यहां नहीं होता। मेरे दोनों विश्वविद्यालय बर्बाद हो गए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400% फीस बढ़ा दी गई, BHU में फीस बढ़ा दी गई 200%, वो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरी तरह से नई शिक्षा नीति ने DU JNU को बर्बाद कर दिया, लोन लेकर के वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलेंगे। मेरी चिंता मेरे विश्वविद्यालय है, मेरी चिंता मेरा स्कूल है। मंदिर बन रहा है, अगर उनसे किसी को शिक्षा मिल रही है, उनसे किसी का परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है, नौकरी मिल रही है, वो जाए मंदिर, हम तो उनको रोक भी नहीं रहे। अरे भाई आप ताकत में हो, आपकी संख्या ज्यादा है, आप अपने मंदिर बनाओ। मैं मंदिर की डिबेट में बिल्कुल नहीं जा रहा, और मैं कह रहा हूं मंदिर पहले भी नहीं थे, बहुत कमी नहीं थी मंदिरों की। इस देश में शौचालय की कमी थी, देवालय की नहीं थी। अब शौचालय और देवालय दोनों बन गए हैं, विद्यालय खराब हो गए, विद्यालय बर्बाद हो गए। इसलिए मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा। मैं बार बार सोच रहा हूं कि 20 साल बाद 25 साल बाद जब इस मुल्क का 100 साल पूरा होगा आजादी का, तब ये मुल्क कहाँ खड़ा। मैं कह रहा हूँ 22 प्रतिज्ञाएं तो डॉक्टर अंबेडकर ने ली थी, एक लाइन कोई आके बोलता नहीं कि हम डॉक्टर अंबेडकर का भी विरोध करते हैं, क्योंकि पहली बार तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली। ये हिम्मत कोई कर नहीं रहा है और बाकी लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। शौचालय और देवालय एक शब्द है, ये इस पर वोट मांगे जा रहे हैं, कहीं देवालय पर कहीं शौचालय पर। मैं विद्यालय पर वोट क्यों नहीं मांगा जा रहा, मैं चिंतित हूँ। और जो मांग रहा था वो लक्ष्मी गणेश करने लगा, अरे भाई उसका क्या होगा, अरे तुम अपने स्कूल पर रहते, अरे 2-4 चुनाव हार जाते, यही ना होता भाई। तुम्हें लोग याद करते कि जिस समय नफरत की सियासत हो रही थी उस समय कोई व्यक्ति था जो शिक्षा और रोजगार पर बोल रहा था, तुम भी उन्हीं के जैसे निकले, तो फिर तुम में और उनमें अंतर क्या है। अच्छा दूसरी बात, ये नकली माल कोई खरीदेगा नहीं, ये जितने लोग बाद में हिंदू बन रहे हैं इनको कोई सवर्ण हिंदू वोट देने वाला नहीं है। ओरिजिनल अगर BJP और RSS है तो ये RSS और BJP को ही वोट जाएगा, ये भी इन लोगों को समझ लेना। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ओरिजिनल वाला पहले से खड़ा है। कल को अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप क्या कहेंगे, हाव भाव से, भाषा से, हरकतों से, ये कभी चिंतित नहीं होते, कुछ और बोलना। एक एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि मैं जिस तबके का नुमाइंदगी करता हूँ वो एकदम कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये BJP और RSS जाने, बेसिकली RSS ने केंद्र में RSS है, कल को पार्टियां बदल भी जाएंगी ना तो ये डिबेट अगर ख़त्म नहीं हुई, कोई सॉफ्ट हिंदू हार्ड हिंदू, कोई गाय गोबर निकाल दो बाकी हिंदू वही बचेगा, हम इस बहस में जा ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि ये सारे लोग मिल करके ऐसी बहस खड़ी कर रहे हैं और पूरी मीडिया इस पर बहस कर रहा है। अरे भाई इस देश में स्कूल बर्बाद हो गए, लोन पर ही देश चल रहा है, गरीबी में रुपया जो है 82-83 रुपए पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले, पूरा अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। और जैसे जैसे देश बर्बाद हो रहा है तो उसमें से कोई व्यक्ति आ रहा है वो और ज़्यादा हिंदू बन रहा है। हमारे यहाँ एक चुटकुला कहा जाता है, एक आदमी जो है दिन रात अपने गाँव के नुक्कड़ पर बैठ करके लोगों को गालियाँ देता था, लेकिन जब मरने लगा तो अपने बच्चों से कहा कि तुम लोग कोई ऐसा काम करना कि मरने के बाद मुझे को लोग अच्छी तरह अच्छे याद करें। कुछ दिन बाद उनके बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये ऑलरेडी इतना बुरा था, इसको क्या अच्छा करें। दोनों बच्चे अगली बार से उसी नुक्कड़ पर बैठ करके गाली देने के साथ साथ लोगों के ऊपर ढेला मारने लगे। गाँव वाले कहने लगे यार इन सबों से अच्छा तो इनका बाप था। ये ऐसा हो रहा है, एक ऐसा नेता है वो कोई बात बोल रहा है तब तक दूसरा आ रहा है, आपको लग रहा है अरे भाई ये अब कल को देखिए, आज मनमोहन सिंह अच्छे लगने लगे, कल को अगर यूपी वाला लखनऊ वाला दिल्ली आ जाएगा तो आपको मोदी अच्छे लगने लगेंगे, कल को केजरीवाल अच्छे लगने लगेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ व्यक्तियों पर मत जाइए, सबका एजेंडा एक है, वो RSS का एजेंडा है, वो शिक्षा रोजगार का अर्थव्यवस्था का आने वाली पीढ़ियों को बचाने का एजेंडा नहीं है, सामाजिक न्याय का एजेंडा नहीं है। इस देश में आग लगाना नहीं, वो लोग क्लेम करते हैं ये उनका झगड़ा है, उनके घर के झगड़े में मैं नहीं जा रहा। वो किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे RSS तय करेगा, नहीं मैं कह नहीं रहा हूँ, वो तो खुद कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो तो स्कूल की बात कर रहे थे। कितना अच्छा लगता था कि पढ़ा लिखा नेता आया है, वो स्कूल की बात करता है, भ्रष्टाचार की बात करता है, वो अस्पताल की बात करता है, बड़ा अच्छा लग रहा था इस देश में। अचानक कहने लगा कि रुपया इसलिए गिर रहा है क्योंकि उस पर लक्ष्मी गणेश की फोटो नहीं, सारी पढ़ाई लिखाई यहीं आ गई, फिर IIT क्या करने गए थे, फिर स्कूल क्यों खुलवा रहे हो उसमें लक्ष्मी गणेश को महिमा बताने के लिए, मेरा सवाल है। इसलिए अब आप ही तय करो कि आप क्या। नहीं नहीं ये तो इस मुल्क के सामने जगजाहिर हो रहा है,
कौन जेल में है, कौन बरी हो रहा है, कौन जो है किसको जेल में होना चाहिए वो जेल से बाहर सरकार में बैठा हुआ है, कोई और 25 साल बाद बेगुनाह रिहा हो गया, ये तो मेरे सामने हजारों केस हैं। मैं इसलिए एक सवाल पूछ रहा हूँ बतौर नागरिक कि मैं अपने जुडिशरी पर भरोसा बनाए रखना चाहता हूँ, वो भरोसा कैसे बना रहेगा? मैं न्यायपालिका पर भी अच्छा वो करना चाह रहा हूँ, वो कैसे बना रहेगा? ठीक है, शुक्रिया।